बहुत बड़ी हिदायत है, बल्कि ज़िंदगी पूरी गुजारने के लिए आ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अहकाम वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, खुद अल्लाह ताला ने जो है नबी जो बनाकर भेजा है आ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कहा है कि उनकी ज़िंदगी में आपके लिए एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है तकलीद के और पैरवी के लिए, जो है आ हजूर की ज़िंदगी जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो आ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को मुखातिब करके तमाम मुसलमानों को कि कुल लोगों मराइन, कि तुम में से हर शख्स जो है राई है, हाकिम है, और हर हाकिम से उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा, मतलब जवाबदेह होगा, मसूल है वो। फिर इसी मिसाल को आ हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयाई कि एक ख़ानदान है, ख़ानदान का सरबराह जो है मर्द होता है, उसका हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो अपनी फैमिली के मुतल्लिक उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे बच्चे थे, बीवी थे, उनको तुमने किस तरह उनकी तरबियत की, किस तरह उनकी तालीम दी, किस तरह उनको खिलाया पिलाया, आया कि रिज़्क़े हलाल से उनकी जो परवरिश की है या रिज़्क़े हराम से की है। तो ये जो है एक सरबराह है ज़िंदगी में अपने बीवी बच्चों के मुतल्लिक़ वो जवाबदेह है। उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि बाहर से वो रोज़ी कमा कर लाए और उनको दे दे, बल्कि उनकी अखलाकी और उनकी जो है दूसरी किस्म की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरा करना है, और अखलाकी लिहाज से उनकी निगहदाश्त करना है। तो इसलिए जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स जो है वो राई है, वो हाकिम है, उससे रियाया के मुतल्लिक उससे क़यामत के दिन सवाल होगा। इस दुनिया में भी जो है उसका जो है हम तो देख लेते हैं कि बाज़ औक़ात उसका जो है फल जो है उसके समरात उसके सामने आ जाते हैं। फिर इसी तरह जो है एक मुल्क होता है उसका जो हुक्मरान जो है तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो मसूल है अपनी रियाया के मुतल्लिक, कि आया के रियाया के लिए वो रहम दिल है, मेहरबान है, शफीक है, या कि नहीं, या कि सिर्फ लूट मार करने के लिए वो आता है, जैसा कि हम खुद देख रहे हैं जब से पाकिस्तान बनाया, जितने भी हुक्मरान आए हैं लुटेरे आए हैं वो लूट कर चले गए हैं, फिर बार बार बढ़ के आते रहे हैं, अवामुन नास को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए जो है हुक्मरान का जो है वो बहुत बड़ी जो है एक किस्म की मिसाल होती है, और एक जो अरबी में बड़ा मशहूर मकूला है कि अन्नास वाला दीन मलूक हैं, कि लोग जो हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, लोग जो हैं वो अपने हाकिम को देखते हैं, अपने से ऊपर के आदमी को देखते हैं, दुनिया के लिहाज से होती है उसकी वो तकलीद जो है वो गैर शौरी तौर पर या शौरी तौर पर करते हैं। मुझे याद है कि जब ज़ियाउल हक का ज़माना था उसने इस्लाम का बड़ा नारा लगाया बहुत उठे, तो हमने देखा कि बाद लोग वो उसने शुरू शुरू में वो नमाज़ जो है वो लाजमी कर दी कि जोहर के वक्त वहाँ पर जो है वक्त दिया जाएगा और तमाम जो हेड हॉट डिपार्टमेंट है वो नमाज को लीड करेगा, उसके पीछे पड़े। तो उसमें हमने बाज़ अवक़ात ऐसे देखे कि लोग जो है बग़ैर वज़ू के ही उसको ज़ियाउल हक़ को खुश करने के लिए वो जो है नमाज में खड़े हो जाते थे। तो इस तरह जो है ये मकूला जो है वो अगर हम तारीख़ इस्लाम को ख़ास तौर पर बनू अमैया के ज़माने में ये बड़ा मशहूर था कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर आया, जिसको खलीफा पंजम कहते हैं, उमर सानी कहते हैं, तो उनके मतलब ये मशहूर था कि वो जो है चूँकि मिनहाज नबूवत के मुताबिक खिलाफत के मतलब खुलफाए राशिदीन को नमूना सामने रखकर उसने हुकूमत की, और उसने बिल्कुल एक आम हुक्मरान जो है उसके मुताबिक हुआ, और उसके मतलब जो है वो हमने उसके उनके तकवे की मिसालें जो है वो हम पढ़ते रहते हैं कि एक दिन जो है वो कोई अपना जो है काम कर रहे थे बैतुल माल में, उनका बच्चा आया, उसने आकर जो है घर के मतलब बातें शुरू कर दी, तो उन्होंने चिराग को बुझा दिया कि अब ये जो चिराग जो है सिर्फ जो बैतुल माल के लिए है, घरेलू मसरूफियात उनके कामों के लिए नहीं है। इसी तरह जो है जब उनका आखिरी वक्त आता है, मर्ज़ मौत में मुबतला है, तो वो बिस्तर पर